बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल एनीबडी कैन कुक विद सेवी। आज मैं आपके साथ सिंपल बनने वाली भिंडी की रेसिपी शेयर करूंगी। यहाँ पर हमारा पैन प्री हीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर 3-4 कप ऑयल डालूंगी। ये मैंने 4 लार्ज साइज़ की प्याज को इस तरीके से कट कर लिया है। ऑयल गरम होने पर मैं इसमें प्याज डालूंगी। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब मैं तमाम प्याज को इसमें डाल दूंगी। प्याज हमने लाइट गोल्डन फ्राई करनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है, फ्लेम को फुल करना है। दरमियान में चम्मच चलाते रहें ताकि हमारी प्याज जले ना। यहाँ पर मैंने 1.5 स्पून ज़ीरा लिया है और 1/2 स्पून हींग लिया है, मैं इसमें डाल दूँगा। इतना हमारा ज़ीरा चटके। 1 kg भिंडी है, इसे मैंने इस तरीके से कट कर लिया। हमारी प्याज हो चुकी हैं, अब हम इसमें भिंडी डालेंगे। फ्लेम को हमने फुली रखना है और ऐसे से हम इसमें इस तरीके से चम्मच चलाएंगे। प्याज में हमें भिंडियों को 2 मिनट तक फ्राई करना है। फ्लेम हमारी हाई ही रहेगी। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 स्पून रेड चिली पाउडर लिया है। मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ स्पून हल्दी पाउडर। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें और मिक्स करें। फ्लेम अभी भी मेरी फुल पर ही है। मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं फ्लेम को मीडियम टू स्लो कर दूंगी और हमें भिंडी को तकरीबन 10 मिनट तक इसी तरीके से ढक के पकाना है। बीच बीच में हम चेक करेंगे। हम दरमियान में एक मर्तबा और चेक करेंगे। ढक देंगे। ध्यान रहे फ्लेम हमारी मीडियम टू स्लो ही है। हमारी भिंडी को 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक करेंगे। ये देखिए, भिंडी हमारी बिल्कुल तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। अब मैं फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दूंगी और 5 मिनट के लिए दम पे रखूंगी। मिलते हैं 5 मिनट बाद। 5 मिनट हो चुके हैं, भिंडी हमारी बिल्कुल तैयार है। गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे। ये देखिए, बिल्कुल खिली खिली भिंडी हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं सर्व करती हूँ।
भिंडी हमारी बहुत ही टेस्टी बनी है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। अब मैं इसे गरम गरम सर्व करूंगी। भिंडी बहुत मज़े की बनी है और आसानी से बनके तैयार हुई है। आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर एक अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।